सब्सक्राइब कीजिए द कॉमर्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंपनीज का टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हुए थर्ड टाइप ऑफ कंपनी जो है 1% कंपनी उसको डिस्कस करेंगे। तो हमने प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इस वीडियो में हम 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो 1% कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है ये पहली बार कंपनीज एक्ट 2013 में नया लाया गया, ठीक है। इससे पहले जो कंपनीज एक्ट 1956 से चला आ रहा था उसमें सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के कॉन्सेप्ट थे, 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं था, ठीक है। तो ये न्यू ऐड हुआ। तो 1% कंपनी का मतलब क्या है? 1% कंपनी का मतलब जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि सिर्फ एक बंदा जो है वो ही मेंबर होगा, ठीक है। 1% कंपनी मीन्स ए कंपनी विथ ओनली 1% एज इट्स मेंबर। तो ये सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 जो है 2013 के कंपनीज एक्ट का उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि एन ओपीसी, ओपीसी यानी कि 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विथ ओनली 1% एज इट्स मेंबर। अब मेंबर क्या होता है आपको पता है? मेंबर मतलब शेयर होल्डर, ओके। तो इस सेक्शन में ऐसा बता दिया गया है कि 1% कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें सिर्फ एक आदमी जो है, सिर्फ एक बंदा इसका शेयर होल्डर होगा। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है थोड़ा देख लेते हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं 1% कंपनी बनाने के लिए तो उनको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। तो रूल 3 सब रूल 1 कंपनीज एक्ट 2013 का वो कहता है कि ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन एंड ए रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी। यानी कि ओनली अ नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन यानी कि एक हाथ पांव वाला इंसान। आपको मैंने बताया था सेपरेट लीगल एंटिटी या लीगल एंटिटी में कि कंपनीज जो होती हैं, कंपनीज जो बनी होती हैं प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं, ओके, ये सारे जब लॉ के अंडर रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो इनको एक नाम मिल जाता है और इनका एक अस्तित्व आ जाता है, इनकी एक एग्जिस्टेंस तैयार हो जाती है, लीगल एग्जिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं और जब इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो इनको आर्टिफिशियल पर्सन का जो है एक स्टेटस मिल जाता है। यानी कि ये नॉर्मल लोगों की तरह जो है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में एंटर कर सकते हैं, अपने नाम पे प्रॉपर्टीज़ खरीद बेच सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन को अलाउ नहीं है कि वो एक 1% कंपनी बनाए, सिर्फ एक नेचुरल पर्सन को अलाउ है। नेचुरल पर्सन कौन है? आपके और मेरी तरह जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें नेचुरल पर्सन कहा गया है। तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है? 1% कंपनी का जो एक सिंगल मेंबर होगा, ये जो पर्सन है ये एक नेचुरल पर्सन होना ज़रूरी है, उसको एक इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। तो पहला कंडीशन है नेचुरल पर्सन होना पड़ेगा, दूसरा कंडीशन है कि उसको एक इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, और तीसरा कंडीशन जो है वो उसको रेसिडेंट इन इंडिया होना पड़ेगा। अब इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा यानी कि कोई ब्रिटिश का आदमी, कोई यूरोप से या लंदन से आया हुआ कोई आदमी यहाँ पर आके एक 1% कंपनी नहीं खोल सकता। प्लस एक और चीज़, रेसिडेंट इन इंडिया भी होना पड़ेगा, यानी कि एक इंडियन जो कि इंडिया में नहीं रहता है, नॉन रेसिडेंट है, जिसको हम शॉर्ट में NRI भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी अगर चाहे तो 1% कंपनी नहीं खोल सकता क्योंकि उसको रेसिडेंट होना ज़रूरी है। अगर वो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, ठीक है, इंडियन सिटीजन है पर नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में नहीं रहता है, तो वो भी 1% कंपनी नहीं खोल सकता। आगे की रिक्वायरमेंट जो है वो देखते हैं। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 OPC। अब क्या लिखा है कि किसी एक बंदे को बस एक ही 1% कंपनी बनाने का हक है। अगर एक बंदे ने एक 1% कंपनी बना लिया है तो वो फिर दूसरा 1% कंपनी नहीं बना सकता। और 1% कंपनी में एक नॉमिनी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। नॉमिनी का कॉन्सेप्ट जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या बैंक अकाउंट में एक नॉमिनी का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर 1% कंपनी का जो 1% है यानी कि जो एकलौता मेंबर है उसको कुछ हो जाए, उसकी डेथ हो जाए या इनकैपेसिटी हो जाए, तो उस केस में पूरी कंपनी का जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स हैं प्लस उसकी लाइबिलिटीज़ जो है वो किसके कंधे पे जाएंगी, तो वो होगा उस कंपनी का नॉमिनी। अब जनरली लोग क्या करते हैं, अपने किसी करीबी रिश्तेदार को नॉमिनी बना देते हैं। तो 1% कंपनी के केस में भी जो मेंबर होगा वो अपने शायद किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त वगैरह को नॉमिनी बना सकता है, ठीक है। तो एक बंदा जो है वो सिर्फ एक 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, साथ ही साथ
कोई एक बंदा सिर्फ वो एक ही 1% कंपनी में नॉमिनी भी हो सकता है, ठीक है, एक बंदा एक से ज़्यादा 1% कंपनी में नॉमिनी नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट है, OPC टू कंपल्सरीली कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी इन सर्टेन केसेस। 1% कंपनी जो है इसको कुछ केसेस ऐसे बताए गए हैं जहाँ पे ऐसे कुछ सिचुएशंस अगर हो जाए तो इनको कंपल्सरीली कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आप को 1% कंपनी से आइदर पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। ये 1% कंपनी रह नहीं पाएगा कब, चलिए देखते हैं किन केस में 1% कंपनी को जो है कंपल्सरीली पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द OPC एक्सीड्स 50 लाख रुपीज़। अगर 1% कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, ये अगर 50 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसको कंपल्सरीली वो और 1% कंपनी नहीं रह पाएगा, उसको कंपल्सरीली प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। या और है, ये एक कंडीशन हुई, और एक कंडीशन क्या है, अगर उसकी एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड, अब जिस पीरियड में ये देखी जा रही है कंडीशन, ठीक है, उस पीरियड में अगर उसकी एवरेज एनुअल टर्नओवर, ठीक है, एनुअल टर्नओवर का मतलब होता है एनुअल सेल्स, ओके, अगर उसकी एवरेज एनुअल सेल्स जो है वो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाए, 2 करोड़ से ज़्यादा, तो भी उसको कंपल्सरीली पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी लिमिट्स दी हुई हैं, एक 1% कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख तक ही हो सकता है, अगर 50 लाख से ज़्यादा हो गया तो उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, या उसका एवरेज एनुअल सेल्स जो है वो भी अगर 2 करोड़ से ज़्यादा हो गया, अगर 2 करोड़ तक है तो ठीक है, अगर 2 करोड़ से ज़्यादा हो गया एनुअल सेल्स तो भी उसको प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ओके। तो इतना तो पूनम गांधी की बुक में जो नोट्स दिए हुए थे उससे मैंने आपको पढ़ा दिया, हूबहू वही नोट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज चलिए डिस्कस करते हैं जो कि हर बच्चे को जानना ज़रूरी है, तो एक्स्ट्रा ज्ञान मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात, व्हाट वॉज द नीड फॉर 1% कंपनी, 1% कंपनी की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि आप देखेंगे 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह है, ठीक है। यहाँ पे 1% कंपनी ही मेंबर है, यानी कि सारा कैपिटल इसी बंदे ने लगाया है, एक बंदे को ही लगाना है, ठीक है। यहाँ पे हम सब लोगों को इकट्ठा मिला के शेयर्स बेच के तो पैसा इकट्ठा कर नहीं रहे, एक ही आदमी पैसा दे रहा है, तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप ही तो सही था, फिर कंपनी बनाने का झंझट क्यों करेगा। सबसे बड़ी जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, जो सोल प्रोप्राइटरशिप की नेगेटिव पॉइंट थी, वो थी लिमिटेड लायबिलिटी नहीं थी सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी का फैसिलिटी पाने के लिए सोल प्रोप्राइटर्स क्या कर रहे हैं, उनको एक फैसिलिटी दिया गया कि आप अपने सोल प्रोप्राइटर को चाहे तो 1% कंपनी में कन्वर्ट कर लीजिए, 1% कंपनी की तरह रजिस्टर करा लीजिए, तो आपकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड से लिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है कि द कॉन्सेप्ट ओपन्स अप स्पेक्टेकुलर पॉसिबिलिटीज फॉर सोल प्रोप्राइटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स हु कैन टेक द एडवांटेजेस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी एंड कॉर्पोरेटाइजेशन बट वे आर हेल्ड बैक इन डूइंग सो बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइंडिंग ए सेकंड डायरेक्टर और सेकंड शेयर होल्डर। पहले जब 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट नहीं था तो जो लोग अकेले बिजनेस करना पसंद करते थे सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में, वो चाहते भी तो कंपनी फॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि एक दूसरे मेंबर की जरूरत थी, क्योंकि मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए, तो अकेला बंदा जो था वो कंपनी फॉर्म नहीं कर पाता था, उसको लिमिटेड लायबिलिटी की बेनिफिट नहीं मिल पाती थी, ठीक है, एक दूसरे बंदे की तलाश करनी पड़ती थी। अब हर किसी का हर किसी के साथ माइंड मैचअप तो होता नहीं है, इसीलिए कंपनीज एक्ट ने 2013 वाले जो नए एक्ट है उसमें 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट लाया कि सिंगल लोग जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो भी अगर चाहे तो कंपनी फॉर्म का जो लिमिटेड लायबिलिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका फायदा उठा सकेंगे, ठीक है। अब द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सोल प्रोप्राइटर एंड अ 1% कंपनी वुड बी दैट इन केस ऑफ अ 1% कंपनी योर लायबिलिटी इन द केस बिजनेस फेल्स इज लिमिटेड टू ओनली द बिजनेस एसेट्स। अब क्या होगा कि बिगेस्ट डिफरेंस क्या होता है सोल प्रोप्राइटर और 1% कंपनी में, कि अगर किसी कारण 1% कंपनी के केस में अगर बिजनेस फेल कर जाती है, बिजनेस लॉस में चली जाती है या कुछ भी हो जाता है, बिजनेस अब रन नहीं कर पाएगी, फेल हो गई बिजनेस, तो आपकी लायबिलिटी कहाँ तक है, 1% की लायबिलिटी वहीं तक होगी जहाँ तक कि जितनी की बिजनेस एसेट्स हैं, यानी कि आपको अपने बिजनेस एसेट्स को
कुर्बान करना पड़ सकता है, दे देना पड़ सकता है अपनी लाइबिलिटीज़ को मिटाने के लिए। पर इन केस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप वहाँ पे क्या होता था कि लाइबिलिटी होती थी अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी। और जो क्रेडिटर्स होते थे वो बिजनेस के एसेट्स तो ले ही लेते, लेकिन अगर उनके क्लेम्स उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते, बिजनेस के एसेट्स सारे बेचने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होते, तो प्रोप्राइटर का पर्सनल होम, पर्सनल गाड़ी, पर्सनल जो बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी वाइफ की जो ज्वेलरी है, सब कुछ दाव पे लग जाता है, ठीक है, बिजनेस की लाइबिलिटीज़ को सेटल करने के लिए। तो ये है सबसे बड़ा एडवांटेज सोल वन पर्सन कंपनी बनाने का, क्यों लोग जो है वो वन पर्सन कंपनी बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वन पर्सन कंपनी के केस में डायरेक्टर्स कितने होंगे, कौन इसको मैनेज करेगा, ठीक है, शेयर होल्डर तो वन पर्सन जो है वही हो जाएगा, अब डायरेक्टर कौन होंगे। तो देखिए, वन पर्सन कंपनी जो है वो जनरली एक इंसान के ही पैसे लगे हैं, एक इंसान वही जो है वही बंदा उसको रन करेगा, तो एक ही बंदा जो है यही शेयर होल्डर भी होगा, ठीक है, 100% शेयर होल्डर, यानी कि इसके पास 100% शेयर्स, जितने भी शेयर्स हैं सब इसी के पास रहेंगे, प्लस ये ही डायरेक्टर भी होगा। ये जनरल केस में मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा अलग डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या है, 1% कंपनी मे हैव ओनली वन डायरेक्टर, ऐसा अलाउ किया गया है 1% कंपनी को कि उसका सिर्फ एक डायरेक्टर हो पाए, और ये भी अलाउ किया गया है कि ये जो बंदा 1% जो इसका मेंबर है वो खुद भी चाहे तो डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स नहीं हो सकते, 15 तक डायरेक्टर्स हो सकते हैं। अगर ये बंदा चाहे कि मैं 15 लोग रखूँगा अपनी कंपनी को मैनेज करने के लिए, ठीक है, मैं तो रहूँगा ही साथ में और 14 लोग रखूँगा, तो 14 लोग और आके ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्टर बन सकते हैं इस कंपनी में, ठीक है। एज़ पर द कंपनीज एक्ट, इफ़ नथिंग इज मैंशनड इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इट वुड बी अज्यूम दैट द सोल शेयर होल्डर सेल ऑल्सो बी द सोल डायरेक्टर इन द 1% कंपनी। तो ऐसा लिखा है कि अगर इनकॉर्पोरेशन के समय जो डॉक्यूमेंट्स दी जाती हैं उसमें अगर कुछ मैंशन नहीं हो, तो कंपनीज एक्ट ऐसा मानता है कि जो अकेला शेयर होल्डर जो है, जो 1% है, जो अकेला मेंबर है, वही अकेला डायरेक्टर भी होगा उस कंपनी का, ठीक है, और वही जो प्रैक्टिकली केस होने वाला है सारे 1% कंपनीज के साथ, क्योंकि जो लोग 1% कंपनी बनाएंगे वो हमेशा ऐसा ही चाहेंगे कि मैं ही उस 1% कंपनी को मैनेज करूं। और क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे 50 लाख तक की ही जो है कैपिटल की लिमिट है 1% कंपनी का, तो ये बहुत ज़्यादा हाई स्केल, लार्ज स्केल में बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि 50 लाख की कैपिटल आजकल बहुत ज़्यादा कैपिटल है नहीं, एक बंदा इतने बड़े बिजनेस को आराम से मैनेज कर सकता है। और टर्नओवर की लिमिट भी 2 करोड़ की रखी गई है एनुअली, ठीक है। तो ये मेनली एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ही है, बस इसको एक कॉरपोरेट एंटिटी दे दी गई है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको ये समझ में आया कि नहीं 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।